नमस्कार साथियों, हिस्ट्री 360 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं आशा कंवर भाटी हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था टिश्यू या उत्तक, उसी टॉपिक को हम लोग अभी इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए एक बार इस टॉपिक की तरफ नज़र डाल लेते हैं। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्लांट के जितने भी उत्तक थे यानी पादप उत्तक जो थे वो सारे हम लोगों ने पढ़ लिए थे। इस वीडियो में हम लोग जंतु उत्तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, या जिसे हम क्या कहते हैं, एनिमल टिश्यू। अभी वैसे तो एनिमल टिश्यू जो होते हैं ना, हम लोग सभी के बारे में बात करेंगे, यानी कि जितने भी एनिमल टिश्यूज होते हैं सबके, मतलब जितने एनिमल हैं सभी के टिश्यूज की बात करेंगे। बट यहाँ पर हम जब समझने के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो मनुष्यों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा इसको पढ़ेंगे, ताकि हमें समझने में बहुत आसानी हो जाए। जबकि ये सिमिलर टिश्यू जो दूसरे एनिमल से, उनके अंदर भी ऐसे ही पाए जाते हैं, ठीक है। अब उत्तक हम पढ़ चुके हैं कि उत्तक क्या होते हैं, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी विशिष्ट कार्य या समान कार्य हेतु समान कोशिकाओं से बना होता है, उसे हम उत्तक कह रहे थे, ठीक है। जंतु कोशिका में भी इसकी परिभाषा समान ही रहेगी, अंतर क्या रहेगा, कोशिकाओं का, इसमें कौन सी वाली कोशिका रहेगी, तो इसमें रहेगी हमारी जंतु कोशिका। कौन सी कोशिका रहेगी, जंतु कोशिका। अब जंतु कोशिका के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जंतु कोशिकाएं क्या होते हैं, जिन कोशिकाओं के अंदर आपकी कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये पढ़ा था हम लोगों ने। अब इसमें कोशिका भित्ति नहीं होगी, केवल और केवल कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली ही उपस्थित इसमें रहने वाली, बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट है बट वो भी आपके सिलेबस से आउट है और RPSC कभी भी सिलेबस से बाहर जाती नहीं है साइंस में। तो यहाँ तक आप ध्यान रखना कि जंतु कोशिकाओं से मिलकर जो उत्तक बनते हैं उनको हम लोग जंतु उत्तक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चित्र आपको नज़र आ रहा होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है एक मनुष्य का, कि मनुष्य के शरीर के अंदर मैंने इस चीज़ को समझाने की पूरी कोशिश करी है। हम जंतु उत्तक को डिटेल में पढ़े उससे पहले एक बार मनुष्य का शरीर देख लेते हैं। पहले हम लोगों ने देखा था कि सेल जो होती है यानी कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, हमारा उत्तक बनता है, और उत्तकों से मिलकर क्या बनता है, अंग, अंगों से मिलकर अंग तंत्र। अब ये वाला जो पॉइंट है ना वो यहाँ पूरा अच्छी तरीके से साबित हो जाएगा, अंग तंत्र से मिलके शरीर का निर्माण होता है। अब क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर होता है, पादपों के अंदर हम लोग अंग तंत्र वगैरह नहीं देख सकते पर हमारे में देखने को मिलती है एक एक अंग, इसीलिए यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से काम करेगा। अब आप एक मनुष्य का संरचना देख लीजिए, एक मनुष्य पूरा बना हुआ है। अब मनुष्य को अगर बाहर से अंदर की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो आपको सबसे बाहर एक स्किन नज़र आएगी, यानी हमारे ऊपर एक आवरण मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हम अंदर जाएंगे तो हमारे, जैसे ही हम अंदर जाएंगे तो ये, अगर आप हाथ की बात करते हो तो अंदर मसल्स या गदगदा सा ऐसा मोटा सा फील होता है, यानी वो क्या है, हमारी मांसपेशियां। और उसके भी अंदर जाओ तो एक कड़क सा हार्ड आपको एक हड्डी नज़र आती है, हड्डी महसूस होती है, ठीक है। तो हमारा जो शरीर है वो बाहर से अंदर की तरफ खोखला है, पहले चमड़ी है, फिर मांसपेशियां हैं, उसके अंदर बीच में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उत्तक हैं, उसके बाद आपके कंकाल तंत्र है। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बॉडी की बात करें तो कंकाल तंत्र अंदर से खोखला है, हड्डियाँ हैं, फिर उसके अंदर कुछ आंतरिक अंग भी मौजूद है, जैसे कि हमारा आमाशय हो गया, फेफड़े हो गए, हृदय हो गए, ये सब अंदर है। और फिर वापस पीछे आओ, फिर से हड्डी आएगी, फिर मांसपेशियाँ आएगी, और फिर स्किन आएगी, यानी कि हम तीन परतों से मिलकर बने हुए हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक मनुष्य का शरीर लिया है, सारे अंग तंत्र आपको अंदर नज़र आ रहे हैं, उनके साथ आपको चारों ही टाइप के टिश्यूज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी। तो एक बार यहाँ से इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एनिमल टिश्यूज़ को अगर अपन बांटना चाहे तो चार भागों में या चार वर्गों में बांट सकते हैं, चार वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है। अभी चार वर्ग किस आधार पे कर दिए हम लोगों ने, कि उनका कार्य क्या है, उनकी संरचनाएं कहाँ उपस्थित है, कैसे हैं, उस आधार पे बांटा। सबसे पहला जो टिश्यू पढ़ते हैं हम लोग एपिथीलियल, ये यहाँ पर मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ, उपकला उत्तक। अब ये कैसे बता रखा है, ये जो आपकी, चाहे ये अंदर की बाहर की चमड़ी हो गई, बिल्कुल स्किन हो गई, उपकला, उपकला मतलब कि एक ऐसी कला का मतलब होता है झिल्ली। तो हमारे शरीर की जितनी भी चमड़ी है और आंतरिक अंगों के ऊपर की जो चमड़ी है वो सभी चीज़ें किससे बनेगी, उपकला उत्तक से बनेगी। इसमें चार पांच प्रकार होते हैं, सीलिएटेड, सिंपल, क्यूबॉइडल, स्क्वेमस, ये सारे हम प्रकार डिटेल में पढ़ेंगे। फिर दूसरा हमारे यहाँ पर दे रखा है मस्कुलर उत्तक, या जिसे हम क्या कहेंगे, पेशीय उत्तक, यानी कि यहाँ पर ये बात कर रहा है मांसपेशियों की। हमारे शरीर में तीन प्रकार के मांसपेशियाँ होती है, देखो हाथों वाली बता रखी, हृदय की बता रखी, और पेट की भी बता रखी, सब तरफ मांसपेशियाँ होती है, वो भी बता रखा है। फिर बता रखा है फिर नर्व टिश्यू, या जिसे हम
तंत्रिका उत्तक कहते हैं। तो एक प्रकार हो गया तंत्रिका उत्तक, जो हमारे मस्तिष्क और हमारे पूरे शरीर की सतह पर पाई जाती है, क्योंकि किसी ने मुझे टच किया तो मेरी स्किन के अंदर ऐसा सेंस ऑर्गन या संवेदी अंग मौजूद है जो सूचनाओं को लेकर जाता है, और वो संवेदी अंग तंत्रिका उत्तक ही होते हैं। फिर अगला आ गया आपका कनेक्टिव टिश्यू, या जिसे हम क्या कहेंगे, संयोजी उत्तक कहेंगे। अब ये हमारे शरीर में देखो कितने सारे प्रकार बता रखे हैं, इधर बोन दे रखी है यानी हड्डियाँ, टेंडोन दे रखा है, फैट सेल्स दे रखी है, इसके अंदर हमारा रुधिर आ जाता है, ठीक है। संयोजी का अर्थ होता है जो संयोजन करती है, पूरे शरीर को जोड़ने का काम करती है, उस उत्तक को हम लोग संयोजी उत्तक कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिक चार प्रकार से आपको इंट्रोडक्शन हो चुका है। एक बार अब हम क्या कर लेते हैं, इसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अब आप देखिए हमारे शरीर में जो उत्तक होते हैं ना, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पहले ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस बारे में प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। जब मनुष्य का निर्माण होता है, यानी जब मनुष्य के भ्रूण का निर्माण होता है, तो भ्रूण निर्माण के समय सबसे पहले क्या होता है, पहले भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले होता है निषेचन। अब निषेचन क्या है, इसमें मादा व नर दोनों की ही कोशिकाएं मिलती हैं, और उस कोशिका के फलस्वरूप जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे हम निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद में लगातार उसमें कोशिका विभाजन होता है, यानी अभी भ्रूण नहीं बना, अभी तो क्या चल रहा है, कोशिका विभाजन चल रहा है। अब ये जो कोशिका विभाजन है, इस कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जो भ्रूण होगा, देखो युग्मनज के समय एक कोशिका में दो केंद्रक रहते हैं, जो दोनों केंद्रक मिल जाएंगे तो ये युग्मनज बन जाएगा आपका, ठीक है, इसको 2N वाली कोशिका कहते हैं। इसके बाद ये एक कोशिका दो में, दो चार में, चार ऐसे इसके पीछे ही बना रही हूँ मैं, तो इसे आठ में, इस प्रकार से एक क्यूब बनता है ना, जैसे वैसे क्यूब वो घुमाने वाला आता है, वैसे 16, फिर 16 से 32, और 32 आगे जाकर एक गोलाकार संरचना का निर्माण कर लेते हैं इस प्रकार से, जिसमें एक परत तो बनती है बिल्कुल बाहर की तरफ, एक बनती है इधर बीच की तरफ, और एक बीच में से खाली स्थान रह जाता है, और यही संरचना यहाँ पर बताई हुई है, और इस संरचना को हम ब्लास्टुला कहते हैं। अभी हम केवल भ्रूण निर्माण की संरचना पढ़ रहे हैं, जब भ्रूण निर्माण हो रहा है उस समय क्या होता है, ठीक है, क्योंकि भ्रूण निर्माण के बाद ही तो शरीर का निर्माण होगा, ठीक है। तो अब ब्लास्टुला जो स्टेज आ जाती है उसमें देखो, एक तो सबसे बाहर की परत दे रखी है, एक इसमें अंदर की परत बनती है, और एक ऐसी जो इसके बीच बीच में यहाँ यहाँ पर रहती है। इन तीनों परतों को इनके स्थान के नाम पे नाम दे रखे, ठीक है। सबसे अंदर वाली जो चमड़ी होती है उसे दिया है एंडोडर्म या अंतःचर्म, क्या नाम दिया है, अंतःचर्म। फिर मिजोडर्म या जिसे हम मध्य चर्म कहते हैं, जो कि बीच वाली है, और सबसे बाहर वाली जो होती है उसे हम बाह्य चर्म कहते हैं, या एक्टोडर्म जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य हो गए, जो गाय भैंस वगैरह हो गए, जितने भी स्तनधारी हैं वो सभी क्या होते हैं, तीनों परतों से निर्मित होते हैं। इवन जितने भी कशेरुक हैं, वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, वो सभी भी इन्हीं तीनों चमड़ियों से बनते हैं, यानी भ्रूण का निर्माण इन तीनों चर्मों से ही होता है, ठीक है। अब आप समझना इन तीनों चमड़ियों से क्या क्या बनता है। देखो सबसे बाहर वाली जो चमड़ी है वो एक्सोस्केलेटन या हमारा बाह्य संरचना बना रही है, ऊपर ऊपर वाली पूरी संरचना बना रही है। मध्य चर्म ये हमारे अंदर के ऑर्गन बनाती है, अंतः अंग, हमारे शरीर के अंदर जैसे पेट आमाशय वगैरह जो अंदर वाले अंग है ना, वो सारे इससे बन रहे हैं। और एंडोडर्म जो हो गया है वो क्या करता है, अंगों के अंदर की चमड़ी बना रहा है, अंदर वाली। देखो आप समझिए, जैसे मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ये चीजें हमारा आमाशय हो गया, आमाशय का जो निर्माण कर रहा है। अब आमाशय के हमारा आंतरिक अंग है जो किसने बनाया, मेसोडर्म में बनाया। अब उसके भी अंदर वाला जो पार्ट है वो कौन बनाता है, एंडोडर्म, यानी इसके अंदर की तरफ वाली जो संरचना होगी वो किससे बनेगी, एंडोडर्म से बनेगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो अब ये पॉइंट यहाँ क्यों बताया मैंने, हर एक प्रकार की चर्म से अलग प्रकार के उत्तक का निर्माण होगा। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं अलग से लिखवा देती हूँ कि अंतः चर्म प्लस मध्य चर्म प्लस बाह्य चर्म, इन तीनों से मिलकर तो आपका बनती है उपकला उत्तक, उपकला
उत्तक। अब उपकला उत्तक क्या है? ऐसा उत्तक जो किसी भी जगह की बाहर की लाइनिंग बनाएगा, यानी कि हम इसको समझा सकते हैं कि बाह्य आवरण या ढकने का जो काम होता है वो सब उपकला करेगा। तो हर चीज को ढकना पड़ेगा, चाहे वो बाहर बनी है, अंदर बनी है, कहीं भी बनी है, उसको ढकना पड़ेगा। तो इन तीनों ही चर्म से बनती है आपकी उपकला उत्तक। इन्हें डर्म भी कहते हैं, मेसोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म भी कहते हैं। कई बार हिंदी में भी लिखा हुआ मिल जाता है ऐसे कि एक्टोडर्म, ऐसे लिखा मिल जाता है। तो आप दोनों ही चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो उपकला उत्तक हो गई, ये किससे बन रहा है आपका? तीनों ही प्रकार की चमड़ियों से बनेगा उपकला उत्तक। फिर बात करते हैं हम लोग मेसोडर्म से क्या क्या बनता है। तो मेसोडर्म से अभी मैंने बात करी, अंदर वाला अंग बन रहा है। तो मेसोडर्म से पेशीय उत्तक, क्योंकि मांसपेशियां अंदर रहेगी आपकी, तो पेशीय उत्तक, और दूसरे आपके बन जाएंगे संयोजी उत्तक। कौन सा बन गया आपका? संयोजी उत्तक, ठीक है। संयोजी उत्तक और आपका पेशीय उत्तक बन गया किससे? मेसोडर्म से। एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म तीनों से ही मिलकर क्या बन गया आपका? ये वाली उपकला उत्तक बन गई। दो तरह के पेशी उत्तक या जिसको हम संयोजी उत्तक बोल रहे हैं, वो मेसोडर्म ने बना दी, और एक्टोडर्म बनाएगी हमारे शरीर में तंत्रिका उत्तक। क्योंकि तंत्रिका उत्तक क्या होता है? पूरी शरीर की सतह पर पाई जाती है, इसीलिए एक्टोडर्म इसका निर्माण करेगी। तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि कौन सा उत्तक किस चर्म से क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो मैंने आपको तीनों नाम लिखवा दिए अलग कलर से, मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देती हूँ इसको। एक तो ये वाला, ठीक है, दूसरे दो ये वाले, और एक हो गया ये वाला। यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सारे के सारे जो उत्तक है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से हम इसका विभाजन कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर तो हम लोग लिख देंगे जंतु उत्तक, ठीक है। जंतु उत्तक चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए उपकला उत्तक, यानी कि हम इसमें चमड़ी की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संयोजी उत्तक, जो हमारे शरीर में संयोजन करवाने का काम करेंगे। फिर हम बात करते हैं पेशीय उत्तक, ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं तंत्रिका उत्तक की। तो ये चार प्रकार के हम लोगों ने अच्छे से देख लिए हैं, जिनका कार्य मैं यहाँ लिख देती हूँ, और एक एक का डिटेल वाइज हम लोग अलग से लिख लेंगे। उपकला जो उत्तक होता है वो हमारे शरीर का बाहरी आवरण, अंगों का आंतरिक आवरण, यानी कि हर जगह का आवरण बनाने का काम कौन करेगा? आपका उपकला उत्तक करेगा। फिर संयोजी उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों को, शरीर के विभिन्न अंगों को संयोजित करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशीय उत्तक। तो ये शरीर की गतिशीलता, एक सेकेंड, शरीर की गतिशीलता का नियमन, यानी कि हम चल रहे हैं, फिर रहे, तो ये पेशीय उत्तक की वजह से ही हो पा रहा है। और तंत्रिका उत्तक शरीर में नियंत्रण का कार्य करता है, नियंत्रण व संवेदनाओं को आदान प्रदान करने का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो उत्तक है उनका विभाजन किस आधार पे कर दिया है? इन सभी के कार्यों के आधार पे कर दिया है, जिससे आपको ये पता लग जाए कि हम जो उत्तक डिटेल वाइज में पढ़ रहे हैं उन सभी उत्तक में अलग अलग प्रकार में क्या यूजेज हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक एक उत्तक को डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं उपकला उत्तक की। उपकला उत्तक, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए,
कि उपकला उत्तक होते क्या हैं? जब कोशिकाएं परतीय संरचना का निर्माण करती है ठीक है, तब उसे हम लोग उपकला उत्तक बोलते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या हो गया? शरीर को सुरक्षा प्रदान करना, कभी कभी किसी किसी पर्टिकुलर अंग में आकार भी दे देती है यह, तो आकार प्रदान करना, आवरण का निर्माण करना। क्या करती है ये? आवरण का निर्माण करती है। ये सब किसका हो गया? उपकला का। वैसे भी कला शब्द जो होता है ना, इस कला शब्द का अर्थ ही होता है झिल्ली होना, झिल्ली को बनाना ठीक है। और भी क्या कर सकती है ये? तो जो मुख्य रूप से कार्य, क्योंकि इसी उपकला से अलग अलग चीजें भी बन सकती है, तो दूसरा कार्य हम इसका लिखते हैं शरीर में अवशोषण का कार्य। शरीर में अवशोषण व उत्सर्जी पदार्थों का संवहन, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन, ये काम भी यही करती है। अभी आप सोचेंगे कैसे एक उत्तक पूरा का पूरा अंग बना लेगा, और कैसे काम करते हैं अलग अलग उत्तक मिलके ही एक अंग बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे वो भी अभी हमको समझ में आ जाएगा। तो उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन और शरीर की मरम्मत भी करना। शरीर की मरम्मत का अर्थ है चोट वाले स्थान पर, स्थान पर मरम्मत का मतलब होगा कट लग गया ठीक है, ऐसा कट लग गया कुछ समय बाद में, जैसे एक बार तो ब्लड निकला, ब्लड जम गया, ब्लैक ब्लैक निशान बन गया, फिर उसके बाद उस पर नई चमड़ी बनती, तो वो जो नई चमड़ी बन रही है ना, वो भी उपकला उत्तक ही उसको बना रही है। तो शरीर की मरम्मत करना कहाँ पर? चोट वाले स्थान के ऊपर ठीक है। अब उपकला उत्तक जो होता है उसको संरचना के आधार पर, उपकला उत्तक को संरचना के आधार पर हम लोग अलग अलग प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। कैसे विभाजित करेंगे? तो यहाँ पर एक पहला पॉइंट लिख दीजिए, इसमें क्या होता है? कोशिकाओं की संरचना के आधार पर विभाजित, अब कोशिकाओं की संरचना कैसे? एक तो वो परत भी बना सकते हैं और बिना परत में भी, मतलब एक तो हो गया कि एक ही कोशिका की परत बन रही, एक कोशिका फिर दूसरी फिर तीसरी चौथी पांचवी, मतलब इस रूप में परत बना रही है, और एक होगा एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, यानी कि मोटी परत बनाना। तो ये दो प्रकार से हम इसकी परत के रूप में इसको बना सकते हैं। एक तो हो जाएंगे सरल उपकला उत्तक, दूसरा हो जाएगा संयुक्त उपकला उत्तक। उसके अंदर भी देखो, इसको हम लोग पहले दो भागों में विभाजित कर लेते हैं, सरल उपकला, और दूसरी हम लोग यहां लिख देते हैं संयुक्त उपकला, या हम लोग इसे स्ट्रेटिफाइड भी कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू ठीक है। और ये हो गए आपके सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ठीक है। तो ये इसको हम लोग इंग्लिश में, अगर हम उपकला के बारे में बात करते हैं, तो उपकला को हम लोग एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं ठीक है, और सिंपल और संयुक्त या स्ट्रेटिफाइड भी हम इसे कह सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चित्र नजर आ रहा होगा, इस चित्र में खैर आपको दो चार ही दे रखी है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से बात कर सकते हैं। सरल उपकला उत्तक को पुनः, सरल उपकला उत्तक जो होता है आपका, उसको पुनः हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रकार में बांट सकते हैं। किस आधार पर बांटेंगे? ठीक है, तो इसे हम क्या बांट रहे थे? कोशिकाओं के आकार के आधार पर यहां पर हम इसको बांटेंगे। तो यहां पर आपको चार प्रकार की कोशिकाएं नजर आ रही होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे शल्की नाम लिख रहे हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्क्वेमस
टाइप भी बोल सकते हैं। अब इसमें कैसे रहेगी चपटी कोशिकाएं, देखो आपको नजर आ रही होगी इस प्रकार से चपटी चपटी कोशिकाएं जब आपस में जुड़ जाती है और इस तरीके से पूरी की पूरी परत बना देती है तो इसे हम शल्की उपकला ऊतक कहते हैं। फिर दूसरा दे रखा है आपका घनाकार। अब जो घन होता है ना वो इस प्रकार से होता है, ये घन है ठीक है, फिर एक और ऐसा रहता है वर्ग रहते हैं इसमें और इस प्रकार से जुड़ा रहता है ठीक है। अब ऐसी कोशिकाएं सब आपस में जुड़ती तब उसे हम घनाकार उत्तक कह सकते हैं, घनाकार उपकला उत्तक बोलते हैं। और फिर यहाँ पे स में दे रखा है स्तंभाकार। अब इसे आप स्तंभाकार या आयताकार भी कह सकते हैं, यानी इसमें जो कोशिकाएं रहती है वो इस प्रकार से निर्मित रहती है इस प्रकार से ठीक है, कॉलम की फॉर्म में रहती है, स्तंभाकार होती है तो स्तंभाकार हो सकती है। और एक उपकला जो होती है जिसके अंदर ऊपर क्या होती है पक्षमाभ लग जाते हैं, इसे हम कहते हैं पक्षमाभ ठीक है। रहती तो क्या है नीचे ये आपकी स्तंभाकार कोशिकाएं और स्तंभाकार कोशिका के ऊपर ऐसे पक्षमाभ लग जाते हैं। अब ये पक्षमाभ क्या होते हैं समझना, पक्षमाभ जो होते हैं धागे नुमा संरचनाएं होती हैं जो किसी भी उत्तक को या जिस भी कोशिका के ऊपर लग रहा है उसको गति करवा सकता है। तो आप समझना अभी ये मैंने जैसे किया है तो ये मेरी श्वास नली जहाँ है वहाँ पर इस प्रकार की उत्तक है, जहाँ मैंने जिसे ये किया वहाँ पर पक्षमाभ ने गति करी। और जो कई बार होता है ना मैं कफ जमा रहता है और करते हैं वो कफ हट जाता है तो वो पक्षमाभ के कारण ही वहाँ से हट सकता है। तो ये पक्षमाभ स्तंभाकार कोशिकाएं भी पाई जाती। अब इसके अलावा भी कुछ उत्तक आपके सरल उपकला उत्तक में होते हैं, जैसे एक होता है मिथ्य स्त्रित, इसी के अंदर एक प्रकार आता है मिथ्य स्त्रित, मिथ्य मतलब झूठा, जिसमें ऐसा नज़र आता है कि बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं, ऐसा लगता है कि वो स्तरित बना रही है या जो एक और टाइप है संयुक्त उपकला, इसको मैं यहाँ पे स्तरित भी लिख देती हूँ ठीक है, इसको हम स्तरित उपकला भी कहते हैं। तो इसके जैसी बनती है पर होती नहीं है ठीक है, इसकी जैसी बनती है पर होती नहीं है। एक और प्रकार होता है इसके अंदर जैसे जिसे हम लोग स्त्रावी या ग्रंथी उपकला कहते हैं, स्त्रावी या ग्रंथि उपकला कहते हैं। उसमें क्या होता है समझना आप, या तो घनाकार होगी या स्तंभाकार या पक्षमा भी, इनमें से कोई भी होगी और वो क्या कर लेगी ग्रंथि का निर्माण कर लेगी, उपकला ही ग्रंथि जैसा निर्माण कर लेगी और उसमें से किसी न किसी चीज़ का स्त्रवण होने लग जाएगा, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं ग्रंथि या स्त्रावी उपकला उत्तक कहेंगे ठीक है। तो ये जो आपका एक बार ऐसा करते मैं इसी को यहाँ से ऊपर करती हूँ और इस प्रकार को यही समझा लेते हैं ताकि आपका पेज डायग्राम यही है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर जो दो प्रकार आपके हो गए हैं यहीं से लिख लेते हैं। जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होता है वो कोशिकाएं संरचना के आधार पर अलग अलग प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले तो लिखेंगे हम शल्की उपकला, फिर दूसरी हम यहाँ पर लिख लेते हैं घनाकार उपकला, फिर लिखेंगे हम स्तंभाकार उपकला, फिर एक हमने अभी देखा उसमें पक्षमाभी उपकला, एक मैंने आपको नाम बताया इसमें ग्रंथि उपकला, ग्रंथि या इसे हम स्त्रावी उपकला भी कह सकते हैं। इसमें कोशिका की संरचना कैसी भी हो सकती है, कार्य इसका स्त्रवण करना होगा। और एक हो जाएगी आपकी मिथ्य स्तरित उपकला ठीक है, कैसी हो जाएगी मिथ्य स्तरित उपकला हो जाएगी। अब जो स्तरित उपकला या संयुक्त उपकला है उसके तो सिर्फ आपके सिंपल से दो ही साधारण भाग होते हैं ठीक है, एक तो होगी इसके अंदर स्तरित जिसमें एक्चुअल में स्तरित होगा और एक हो जाएगी आपकी परिवर्ती जिसमें उसका रूपांतरण हो जाएगा। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में डिटेल में आपको समझा दूंगी। अभी आपको यहाँ से लगभग हमने तीन और तीन छः प्रकार की देख लिए, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। अब आप ये चीज़ सोचिएगा कभी हम लोग कई बार आप साइंस की बुक देखेंगे कई अदर और उन बुक्स के अंदर आपको हो सकता है और भी इसमें अलग अलग प्रकार मिल जाए, तो आपको करना क्या है ये समझ लेना कि इन कोशिकाओं के अंदर ऐसा कभी नहीं पूछा जाता है कि नंबर बताओ कितने प्रकार की होती है, नंबर कभी नहीं पूछे जाते हैं, केवल कार्य पूछा जाता है किसी भी उपकला का या ये पूछा जाता है कि इस स्थान पर कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो
इतना ही ध्यान रखना है, ये बस कितने आपको नाम समझने के हिसाब से हम वर्गीकरण कर रहे हैं, वरना कोई इसका ऑफिशियल नहीं है कि भाई इतने प्रकार की ही होगी। ठीक है, अभी सबसे पहले जो उपकला दे रखी है हमको शल की उपकला, उसको हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर होगी उपकला, ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होगी। तो ऐसा कीजिए, हम नेक्स्ट पेज पर ही इसको ले लेते हैं, एक एक उपकला को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, एक एक को एक एक पेज पे हम लोग इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग लगा देंगे शल की उपकला उत्तक। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखेगा कि यह चपटी कोशिकाओं से बनी परत होती है, चपटी कोशिकाओं से निर्मित। कहाँ कहाँ होगी ये सीधा लिख लीजिए, मुख की दीवार पर, यानी कि अपने मुख के अंदर जो अंतर्मुख जिसको हम बोल सकते हैं, जो मुंह के अंदर वाली जो लेयर होती है इसको हम बोल सकते हैं। और कहाँ होगी, हमारे अंतःकरण कर्ण में, यानी हमारे कान की जो दीवार होती है अंदर वाली पोर्शन उसके अंदर। और कहाँ होगी, आहार नाल के अंदर मौजूद रहेगी, आहार नाल यानी कि हमारा जो पाचन तंत्र वाली जो पूरी लाइन चलती है पाचन तंत्र में होगी। और वायु कोशों में मौजूद होगी, वायु कोश यानी कि हमारे श्वसन तंत्र में जो फेफड़े होते हैं वहाँ पर बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, वायु कोश बोलते हैं, इसमें हवा भरती है। इस सभी स्थान पर पाई जाती है। अब आप यहाँ देख लीजिए कि ये आहार नाल और वायु कोश वाली जगह पर है, यानी कि ये क्या कर सकती है, आपकी गैस का, रक्त का, इन सब का क्या कर सकती, स्थानांतरण करवा सकती है। अब आप देखिए ये, और इनका नाम भी होता है, तो यहाँ पर हम एक नोट लगा देते हैं कि कहाँ कहाँ होगी। एक तो होगी ये रुधिर नलिकाओं में, रुधिर नलिकाओं में, इसे एंडोथीलियम कहते हैं, रुधिर नलिकाओं में इसे एंडोथीलियम कहते हैं। और अगर यदि यह हृदय में मौजूद हो, इसे हृदय में मीजोथीलियम कहते हैं। मैंने अभी बता दिया कि एंडो से निर्मित होगी तो एंडो कहेंगे, मीजो से निर्मित होगी तो मीजो कहेंगे। यहाँ पर हम इसका कार्य भी समझ पा रहे हैं, मुख्य कार्य जो है इसका, यहाँ पर मुख्य कार्य अवशोषण भी कर सकती है। अवशोषण चलो इसका मुख्य नहीं लिखते हैं कि अवशोषण स्तंभा में होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं विनिमय करती है। किसका विनिमय करती है, विनिमय, या हम इसे आदान प्रदान करना भी कह सकते हैं। आदान प्रदान करती है किसका, गैसों का और खाद्य पदार्थों का, खाद्य पदार्थ या पोषक पदार्थों का। क्योंकि देखो वायु कोश और आहार नाल दोनों जगह पर है, रुधिर नलिकाएं जो है उसकी ऊपर वाली लाइनिंग यानी हमारी जो नसें जिसको आप बोल सकते हैं वो भी इसी उत्तक से बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड उपकला उत्तक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी घनाकार। ठीक है, घनाकार जो होती है वो आपकी इस प्रकार से घन के आकार की रहेगी, इस प्रकार से घन जो होते हैं आपके उस आकार में जब रहेगी तब हम उसे क्या कहेंगे, घनाकार कहेंगे, या इसे हम लोग इंग्लिश में क्यूबोइडल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो मुख्य कार्य रहता है यहाँ पर, ये यांत्रिक सहायता भी करवाती है और कभी कभी ग्रंथि उपकला का बनाने का काम भी करती है। तो यहाँ लिखेंगे हम घनाकार कोशिका से निर्मित कार्य, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, ठीक है, और कहाँ क्या क्या करती है, स्त्रवण करती है, स्त्रवण यानी किसी भी चीज का स्त्रवित करने का काम करती है, और करती है उत्सर्जन,
जहाँ भी मौजूद रहेगी उत्सर्जन का काम भी करेगी और युग्मक का निर्माण, युग्मक का निर्माण अब कहाँ हो रहा है आपका, एक तो अंडाशय में होता है अंडाणुओं का निर्माण और जो वृषण होता है वहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो उस जगह पर भी यही वाली एपिथेलियल सेल मौजूद रहती है, इसीलिए वहाँ पर भी ये काम कर रही है। और क्या करती है, यह ग्रंथि उपकला उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है, ग्रंथि उपकला उत्तक भी यहीं से बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्तंभाकार या जिसको हम लोग कॉलमलर कहते हैं, ये मुख्य, इसका जो मुख्य कार्य रहेगा वो रहेगा आपका, यहीं पे मैं लिखवा देती हूँ इसको भी ना, ताकि हम ज़्यादा इसको लंबा ना खींच सके, स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार जो होती है उसमें इस प्रकार से लंबी लंबी कोशिकाएं मौजूद होगी। ठीक है, इस प्रकार से। अब स्तंभाकार का मुख्य कार्य क्या हो गया, अवशोषण, अवशोषण का कार्य करती है। अब अवशोषण करना है तो कहाँ मौजूद होगी, आहार नाल में, आहार नाल में और वृक्क के अंदर, यानी कि जिसे हम किडनी कहते हैं, वहाँ पर भी जब वहाँ रीअब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ पर भी इसका कार्य मुख्य रूप से होता है। तो ऐसी जगह पर क्या होती है, स्तंभाकार उपकला पाई जाती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर हो गया था शायद, और हम लोग अब फोर्थ नंबर वाली देखेंगे। फोर्थ नंबर के अंदर हमारा आता है पक्षमाभि। ठीक है, पक्षमाभि उपकला। अब पक्षमाभि के अंदर आप लिख लीजिए स्तंभाकार में पक्षमाभ पाए जाते हैं। पक्षमाभ चलन या गतिशीलता प्रदान करते हैं। ऐसे होता है, ये कोशिका है और इसमें इस प्रकार से पक्षमाभ पाए जाते हैं। जो पक्षमाभ होते हैं वो गति या चलन वाली जगह पर मौजूद होते हैं। अब कहाँ कहाँ होंगे ये, तो ऐसे कौन सी जगह है, तो हमारी श्वास नली के अंदर मौजूद रहेगा। ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर पक्षमाभ की आवश्यकता होती है। और कहाँ जरूरत होगी, तो जो महिलाओं के अंदर, ठीक है, महिलाओं के अंदर जो जगह आपकी जहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण हो रहा है उस जगह पर भी यह मौजूद होती है। तो उसे वो गर्भाशय वाली जो डक्ट रहेगी जिसे हम लोग फेलोपियन ट्यूब या फेलोपियन नली कहेंगे, क्योंकि अंडाणु जब आ रहा है तो अंडाणु के चलन होना चाहिए, क्योंकि जो महिलाओं का अंडाणु जो होता है ना उसमें गतिशीलता नहीं होती। पुरुष में क्या होता है, शुक्राणु जो होता है उसके पूंछ होती है, तो ये तो गतिशील है, पर महिलाओं में जो अंडाणु होता है वो गतिशील नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पर नलियों में ऐसे पक्षमाभ पाए जाते। पक्षमाभ जैसे हिलेंगे अंडाणु आगे बढ़ता हुआ जाएगा, इसीलिए उस जगह पर भी क्या होता है, यह मौजूद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पक्षमाभ मौजूद रहेंगे। इससे एक चीज और लिख सकते हैं, इससे श्लेष्मा का स्त्रवण होता है, श्लेष्मा का स्त्रवण होगा। ठीक है, एक मस्तिष्क भी लिख लीजिए क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, मस्तिष्क में भी यह मौजूद होता है। अब श्लेष्मा क्या होता है आप समझना, हमें जब नाक, जो नाक से पानी निकलता है ना, देट इज श्लेष्मा। हमारे शरीर के हर उस जगह पर यह मौजूद होता है जहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, यानी हमारे आमाशय के अंदर भी श्लेष्मा मौजूद रहता है, नाक में रहता है, गले में जो कफ बनता है वो भी श्लेष्मा है, और हमारा जो महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वहाँ पर भी मौजूद रहता है। समझ गए आप लोग। फिर नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ की बात कर लेते हैं, ग्रंथि या जिसे हम स्त्रावी कह रहे हैं, स्त्रावी उपकला उत्तक। ठीक है, अब इसका जो मुख्य कार्य है वो रहेगा स्त्रवण का। स्त्रवण क्या है, इसका मुख्य कार्य है कहाँ मौजूद होगा, तो शरीर की सभी ग्रंथियां,
शरीर की सभी ग्रंथियाँ इसी से निर्मित होती हैं। सभी का मतलब होता है चाहे हम लोग इसमें अग्नाशय की बात करो, चाहे आप पीयूष ग्रंथि की बात करो, हाइपोथ किसी की भी बात करो, सभी ग्रंथियाँ जिसमें से भी स्रवण होता है वो सभी की सभी ग्रंथि या स्त्रावी उपकला उत्तक से बनती है। यह भी स्तंभाकार प्रकार की ही होती है, कभी कभी घनाकार भी होती है और स्तंभाकार दोनों ही प्रकार की हो सकती है। अब एक लास्ट जो आपका पॉइंट इसमें है बचा हुआ प्रकार, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लास्ट प्रकार जो है आपका वो है आपका मिथ्य स्तरित। मिथ्य स्तरित, अब मिथ्य स्तरित का मतलब होता है, मिथ्य मतलब होता है झूठा स्तर, जिसमें स्तर झूठा पाया जाता है। ये नीचे आपकी आधार कोशिका और उसके ऊपर इतनी मोटी मोटी कोशिका है, ठीक है, इस प्रकार से इसमें न्यूक्लियस मौजूद रहेगा। तो इसकी जो मोटाई होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि ये कैसे है आपकी स्तरित है। तो यह अत्यधिक मोटाई में होने के कारण, अत्यधिक मोटाई में होने के कारण स्तरित जैसी प्रतीत होती है, स्तरित जैसी प्रतीत होती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि ये कैसी है आपकी मिथ्य स्तरित है, ठीक है। नेक्स्ट जो ब वाला भाग है इसके अंदर, सेकंड भाग, यहाँ पर एक तो हमने पढ़ लिया अभी सरल उपकला उत्तक, और दूसरा हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं संयुक्त या स्तरित उपकला उत्तक, ठीक है, सरल या स्तरित उपकला उत्तक। इसमें क्या होता है देखिए, कोशिकाएं दो या दो से अधिक परतों का निर्माण करती है, दो या दो से अधिक परतों का निर्माण करती है। अब कैसे होती है ये देखना आप लोग। अब इसमें अंग पूरे के पूरे आपके जब मोटे लेवल पे आ जाएगी तब ऐसे बनाएगी कि ये कोशिका है एक, ठीक है, घनाकार जैसी ही नजर आ रही है, फिर नीचे एक और, सब में केंद्रक बनाना जरूरी है, फिर ये एक और आ गई, फिर आ गई, देन पॉसिबल हो कि स्तंभा, इसमें फिर मिक्स हो जाते हैं सारे के सारे आपके उपकलाएं, स्तंभाकार आ गई और इसमें पक्षमाप भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से इसमें स्तर पाए जाते हैं, अलग अलग स्तर, यानी कि आधार स्तर होता है, फिर मध्य स्तर होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है आपका सबसे ऊपर वाला स्तर पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब ये बना लेती है तब यह परतों का निर्माण कर लेती है। अब इनका जो कार्य रहेगा वो क्या रहेगा, तो कार्य देखो बदल जाएगा, कार्य देखेंगे। अब क्योंकि स्तर बन गए हैं तो स्तर बनने के कारण अवशोषण व उत्सर्जन तो हो गया कम, क्योंकि इतना नहीं कर पाएगी, सब अलग अलग कोशिकाएं होगी तो कैसे करेगी, और क्या कर सकती है, यह उष्मीय व परासरणीय प्रभाव से, परासरणीय प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करवाती है। यानी अगर हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा ज्यादा आ रही है तो एक समझ लो आप थिकनेस मोटी सी परत बना दी, तो क्या करेगी, बाहर से जो भी हीट वगैरह आएगी उससे अंगों की अंदर बाहर हर तरफ से सुरक्षा करने का काम करेगी, इसीलिए यह उष्मीय या परासरणीय प्रभाव से सुरक्षा करती है। अब इसके अंदर वापस से हम लोग क्या करते हैं, दो प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, दो प्रकार, एक सेकेंड, इसमें हम फिर से दो प्रकार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला तो हम पढ़ेंगे स्तरित, जिसे वास्तविक स्तरित कहते हैं, और दूसरा जो हो गया आपका परिवर्ती। अब स्तरित में पुनः वही हो जाएगा कि संरचना के आधार पर
घनाकार, वही वापस सेम चीज है, शल्की, स्तंभाकार और पक्षमावी, ये इतने प्रकार की हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई डिटेल नहीं है। परिवर्ती के अंदर क्या हो जाता है, चार से छः परतें, बहुत ज़्यादा परतें नहीं पाई जाएगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि चार से छः परतों वाला जो हो जाएगा वो आपकी परिवर्ती बना लेगा। यह जो होती है ना आपकी मुख्यतः जो परिवर्ती, मतलब इसके कार्य में परिवर्तन आता है, तो यह मूत्राशय, मूत्र मार्ग, वृक्क नली इत्यादि में मौजूद रहती है, इत्यादि में उपस्थित रहती है, इसीलिए हम इसको यूरोथीलियम भी कहते हैं, क्योंकि यूरिन वाले जगह पर ही हमारे शरीर में मौजूद है, यूरोथीलियम कहते हैं। बस सिंपल। तो यहाँ तक हम लोगों ने उपकला उत्तक को पूरा डिटेल में पढ़ लिया। जंतु उत्तक में सबसे डिटेल और सबसे लंबा जानने वाला पार्ट ही क्या है आपका, ये उपकला उत्तक वाला पोर्शन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं संयोजी उत्तक, या फिर जिसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ चल लेते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यूज के ऊपर। एक बार हम लोग बात कर लेते संयोजी उत्तक होते क्या है, क्योंकि संयोजी में भी बहुत सारे प्रकार हमें पढ़ने हैं। क्योंकि देखो हम नो डाउट हम पादपों की जब अब बात की तो सरल से साधारण संरचना होती, लेकिन जंतु जो होते हैं ना वो सरल साधारण संरचना नहीं है, क्योंकि इतने सारे अंग बने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा क्या होता है आपका टिपिकल या फिर लेंदी भी हो सकता है। अब पहले संयोजी ऊतक देखते हैं, संयोजी ऊतक होता क्या है। तो संयोजन नाम से ही पता लग रहा है, संयोजन जो करवाएंगे उसे हम लोग संयोजी ऊतक बोलते हैं। अब इसमें कोशिकाएं सब साथ में मिल रही है, तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो होती है आपकी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और होता है आपकी अलग अलग प्रकार की कोशिका, इन दो चीजों से मिलके बना होता है। अब मैट्रिक्स की अवस्था के आधार पर द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है, और आपका सेमी सॉलिड जिसे हम बोलते हैं वो हो सकता है, या जेली लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, उस प्रकार से हो सकता है। तो मैट्रिक्स की अवस्था क्या होती है, अब इसको क्या है, ये मैट्रिक्स वगैरह के आधार पर क्या है, तो समझना आप इसको, आप खीर के बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं खीर का एग्जांपल दे रही हूँ, खीर है, खीर में लिक्विड पार्ट क्या था, दूध। ठीक है, दूध में क्या क्या चीज़ें हैं, चावल है, दूध के अंदर शक्कर जो घुलित अवस्था में है, चावल मौजूद है, उसमें किशमिश है वगैरह सब चीज़ें मिला रखी आपने, तो वो तो हो गई आपकी खीर। खीर के अंदर मैट्रिक्स क्या है, दूध, और बाकी कोशिकाएं चावल और ड्राई फ्रूट की उसकी कोशिकाएं होगी। समझे आप, यहाँ पर मैं जो बात कर रही हूँ वो द्रव वाले की बात कर रही हूँ। अगर इसी को मैं ठोस अवस्था में कर लूँ, इसी खीर को मैं, जैसे कि अगर ठोस अवस्था में बात कर लूँ, किसी और मिठाई के बारे में बात करूँ, तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग काजू कतली के बारे में बात करते हैं। अब काजू कतली के अंदर काजू भी मिला रखा है, हमने शक्कर भी मिला रखी है, लेकिन दोनों एक ही अवस्थाओं के अंदर मौजूद है और दोनों को हमने ठोस बना लिया है। तो इस आधार पर जो ये संयोजी उत्तक है वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो समझना आप लोग, इसको मैं लिखवा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सिंपल सा है, मैंने इसे समझाने के लिए खीर वगैरह का एग्जांपल लिया था। तो जो पहला प्रकार इसमें आता है उसे हम लोग बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक, क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, आपका तरल प्रकार का है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें हम बात करें वास्तविक संयोजी उत्तक, ठीक है, जो एक्चुअल में संयोजी उत्तक की तरह ही कार्य कर रहा है। और तीसरा प्रकार इसके अंदर जो आता है उसे हम लोग कंकालीय उत्तक कहते हैं। कंकालीय उत्तक के बारे में हम बात करेंगे। अब तरल संयोजी उत्तक खीर वाला पोर्शन हो गया कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो तो द्रव अवस्था में है और कोशिकाएं ठोस अवस्था में पाई जा रही है। तो तरल संयोजी उत्तक भी वापस से हम लोग दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला आता है रुधिर और दूसरा आता है लिम्फ। पहला है रुधिर, दूसरा है लिम्फ। वास्तविक संयोजी उत्तक है, इसको हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार में बांटेंगे, यानी ये डिटेल वाइज अगर हम देखेंगे इसको,
तो चार प्रकार में हम इसको बांट सकते हैं। तो एक बार आप ऐसा कीजिए, यहाँ इसको छोड़ दीजिएगा, जब मैं इसको डिट वापस आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे तब यहाँ लिख देंगे हम उसको। और यहाँ पर हम कंकाली ऊतक की पहले बात कर लेते हैं। कंकाली ऊतक यानी कि हमारा कंकाल तंत्र, तो उसमें दो चीज़ें होती, एक तो होती है अस्थि, दूसरी होती है उपास्थि। और सरल भाषा में समझाऊं तो अस्थि वो जिसे हम तोड़ सकते हैं, हड्डी, उपास्थि वो जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि तोड़ना का अर्थ यहाँ पर मेरा यूँ है कि जैसे हड्डियाँ हैं, एक मैं ये जो मेरा हड्डी है पूरी पोर्शन, अगर मैं इसको लकड़ी से मारूँ तो दो टुकड़े में टूट जाएगी, वो तो तोड़ने वाली अस्थि या हड्डी हो गई। और उपास्थि जिसे हमारा कान वाला है, नाक का जो आगे वाला पोर्शन है, कार्टिलेज जिसे हम लोग कहते हैं, इसे मैं तोड़ नहीं सकती हूँ, कचुम्बर बना सकती हूँ वो दो टुकड़ों में तोड़ नहीं सकती, वो हो गई आपकी उपास्थि। समझ गए आप लोग? अब अगर हम वास्तविक संयोजी ऊतक की बात करें या फिर उस ऊतक की, ये इसका नाम वास्तविक हम लोगों ने इसीलिए रखा है कि एक्चुअल में जो संयोजी ऊतक है वो यही है। जिस संयोजी ऊतक की हम लोग, क्योंकि एक तो हो गया ठोस, एक हो गया द्रव, तो फिर जो एक जीवित जीव के शरीर की संरचना के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्या होगा, इसीलिए वास्तविक नाम यहाँ पर दिया गया। पहला तो हो गया आपका, इसमें लिख लेते हैं यहाँ पर, जालवत प्रकार। दूसरा जो हो गया जिसे हम सरल, या यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लूज मतलब वो दूर दूर रहते हैं इसके अंदर। दूसरा, अब तीसरा इसके अंदर रहेगा जिसे हम क्या कहेंगे, सघन संयोजी ऊतक। और चौथा प्रकार इसमें हम लोग लिखेंगे तो उसे हम कहेंगे रंजकीय संयोजी ऊतक। ठीक है, जालवत, जाल जैसी संरचना बना रहा है, जालवत। सरल, जिसके सभी जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत दूर दूर के रूप में फैले हुए। इसको भी अगर हम फिर वापस से और डिटेल में बांटें तो एक तो आता है इसमें एरियोलर, ठीक है, और दूसरा आता है इसके अंदर एडिपोज। और एडिपोज के बारे में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, या तो एडिपोज के बारे में पूछते हैं या रुधिर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। सघन संयोजी के अंदर फिर हम दो प्रकार में बांट देते हैं, एक तो होते हैं लिगामेंट और दूसरे होते हैं टेंडोन, या कडरा भी जिसको हिंदी में अपन लोग बोलते हैं। तो ये इतने सारे प्रकार वास्तविक वाले के हमको दे रखा है, इसीलिए डिटेल में भी हमको इसे पढ़ना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, एक एक ऊतक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा था वो देखा था तरल संयोजी ऊतक। और तरल संयोजी ऊतक जो है आपका, उसको हम लोग संवहनी ऊतक भी कहते हैं। यहां मैं हेडिंग लगाती हूं, तरल संयोजी ऊतक या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक क्या होता है समझ लेना, जिसका मैट्रिक्स जो होता है ना वो तरल रूप में होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तरल संयोजी ऊतक कहेंगे। और उसमें दो प्रकार होते हैं, पहला जो प्रकार है वो तो है आपका रुधिर, और दूसरा जो प्रकार है उसे हम कहते हैं लिम्फ। ठीक है, एक बार ऐसा कीजिए, ये लिखने से पहले हम लोग एक पेज ले लेते हैं बीच में, और संयोजी ऊतक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देती हूँ, फिर वो रह जाएगा कि बीच में एक चीज़ छूट गई तो उसे हम छोड़े क्यों। हेडिंग लगा लीजिए यहाँ पर, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यूज। इसमें लिखिए, इसमें मैट्रिक्स व कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें मैट्रिक्स व कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैट्रिक्स क्या है, क्योंकि हर बार खीर का उदाहरण याद है जरूरी नहीं है। तो मैट्रिक्स में कोशिकाएं डूबी रहती है, क्योंकि डूबी तरल के लिए यूज कर लेंगे, ठोस के लिए धंसी रहती है, और ये मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट चीज आ गई यहां पर,
कि मैट्रिक्स की अवस्था के आधार पर, मैट्रिक्स की अवस्था के आधार पर उत्तक की अवस्था का निर्धारण होता है। यानी अगर मैट्रिक्स तरल है तो उत्तक भी तरल, मैट्रिक्स ठोस है तो उत्तक भी ठोस होगा, उत्तक की अवस्था का निर्धारण होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये तीन पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट किया था, हम लोगों ने संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, पहला हो गया रुधिर, दूसरा हो गया लिम्फ। अब लिम्फ और रुधिर क्या है पहले ये समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे एक ब्लड का एक डायग्राम ले रखा है, इसके अंदर आप पोर्शन समझिए। जिन कोशिकाओं की मैं बात कर रही थी, एक बार यहाँ पे कलर ऐसा कौन सा है जिसमें नहीं है, जो विजिबल भी हो आपको, है ना, ग्रीन ले लेते हैं, ये लेते हैं जो विजिबल रहेगा। देखो ये जो दिख रही है, ये तो है हमारी RBC या लाल रक्त कणिका है, ये जो हमें नज़र आ रही है ये है WBC या श्वेत रक्त कणिका है, और ये जो हमें नज़र आ रहे हैं जिसे हम प्लेटलेट्स या बिंबाणु कहते हैं। तो ये तीनों तो हो गई क्या कोशिकाएं, तो ये तो हो गई कोशिकाएं। अब ये जो पीला पीला भाग हमें नज़र आ रहा है ना, तो ये पीला भाग हो गया इसका मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स क्या है, तरल है, इसीलिए हम इसे तरल संयोजी उत्तक कह रहे हैं। फिर दूसरा मैंने दे रखा है यहाँ पे लिम्फ। लिम्फ क्या है ये समझेंगे हम लोग पहले। रुधिर सबको पता है, रुधिर के बारे में यहाँ बहुत डिटेल में हमको लिखना ही नहीं है, रुधिर के बारे में सिंपल चीज लिखनी है कि हमारे शरीर में पदार्थों का संवहन करेगा, ठीक है, शरीर में तापमान का नियमन करेगा, ये दो पॉइंट लिख लो आप। तो तापमान का नियमन किस किस चीज़ों से मिलके बनता है, तो एक तो होता है प्लाज्मा जो कि मैट्रिक्स है इसका, प्लस कोशिकाएं और प्लाज्मा से मिलके बनता है। कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें तो हो गई रुधिर की, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आता है हमारा लिम्फ के बारे में। लिम्फ बहुत कम लोगों ने सुना होता है कि लिम्फ क्या होता है, आप समझना। रुधिर क्या करता है, इसको एक बार ऊपर ले लेती हूँ मैं, ताकि हम इसको अच्छे से इधर पढ़ें। ओके, अब देखना आप लोग, हमारे शरीर में जो नसें होती हैं, ठीक है, नस है आपकी ये, इसमें जा रहा है आपका रक्त, इसमें ब्लड है, ये ब्लड। अब ये कहाँ जा रहा है, उत्तकों के पास, ये सारी कोशिकाएं, ऐसे ऐसे मैंने कोशिकाएं बना ली, यही होता है काम। क्या करता है रुधिर, हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, खाने की चीज़ें, हार्मोन, सब चीज़ें लेकर कहाँ जाता है, हमारे शरीर के अंगों तक, और अंग किससे बने, उत्तकों से। तो जैसे ही इस नस के अंदर लाल रंग का रक्त गया, ये रक्त चला गया, ठीक है, ये रक्त गया। अब ये रक्त क्या होता है, डायरेक्ट कोशिका के पास नहीं पहुंचता है, रक्त सीधा कोशिका के संपर्क में नहीं आता है, रक्त के अंदर से एक द्रव निकलता है, ठीक है, जिसके अंदर RBC नहीं होती। वो द्रव क्या है, इस कोशिकाओं के चारों तरफ भरा रहता है, इसे हम लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं, या हम इसे कह सकते हैं अंतरा कोशिकीय द्रव। अब कोशिकाओं के बीच बीच में क्या होता है, ये लिम्फ भरा हुआ है। अब ये ब्लड आया यहाँ पे, ब्लड के अंदर से वो द्रव इससे मिला, फिर ये द्रव कहाँ जाएगा, कोशिका के अंदर जाएगा, ये क्या है, हमारी कोशिका है। तो जब ये द्रव इसके अंदर आता है, इसी द्रव को हम लिम्फ कहते हैं। एक बार आप मैंने जो डायग्राम लिया है इसको समझो। देखो डायग्राम के अंदर मैंने दो तरह की नसें ले रखी है, ये तो हो गई हमारी स्वस्थ रक्त को लाने वाली आर्टरी लेकर आई है जो, और ये हो गई हमारी वेन जो कि अशुद्ध रक्त को लेकर जा रही है। अब कहाँ लेकर जाती है, ये लेकर जाती है इन कोशिकाओं के पास में, ये सभी कोशिकाएं बनी हुई है, उत्तक बने हुए, और उस उत्तक के बीच बीच में जो हरे रंग की चीज है, ये हरे रंग की चीज है हमारा लिम्फ।
ठीक है। तो लिम्फ भी क्या है, संयोजी उत्तक की तरह ही कार्य करता है, बट इसमें आरबीसी नहीं होती है। एक प्रकार से यह अंतर कोशिकीय द्रव होता है जो चीजों का आदान प्रदान करता है, किसके बीच में, रुधिर और उत्तक के बीच में। लिम्फ कहाँ काम करता है, रुधिर व कोशिका के बीच, रुधिर व कोशिका के बीच संवहन कर रहा है। तो वहां पर ये मेन काम कर रहा है आपका लिम्फ, और रुधिर क्या कर रहा है, पूरे शरीर में हर एक अंग को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है रुधिर। तो ये हो गया पहला आपका तरल संयोजी उत्तक, ठीक है। यहां तक आपका संयोजी उत्तक के अंदर जो पहला पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग उत्तक पढ़ेंगे, वास्तविक उत्तक। अगला उत्तक हम पढ़ेंगे कौन सा, वास्तविक उत्तक। ठीक है, वास्तविक उत्तक के अंदर हम लोग एक्चुअल जो उत्तक है आपके, उन उत्तकों की बात करेंगे। तो वास्तविक उत्तक जो होते हैं आपके, इनके अंदर जो पहला प्रकार है, सीधा हम लोग उसी की बात कर लेते हैं। पहला प्रकार हो गया जिसे हम कह रहे हैं जालवत उत्तक। अब इसमें क्या क्या चीजों से मिलकर बना होता है, तो पहला पॉइंट तो उसका लिख लेते हैं, इसमें रेशे पाए जाते हैं। क्योंकि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैट्रिक्स इसका थोड़ा सा कैसा होगा, कठोर होगा, ठोस होगा, बहुत ठोस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा आपका ठोस अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में नहीं रहेगा। और क्या होगा, अंतराकोशिकीय द्रव रहेगा, थोड़ा सा अंतराकोशिकीय पदार्थ लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, अंतराकोशिकीय पदार्थ रहेगा, ग्लाइकोजन रहेगा, यानी कि ग्लूकोज का जो रूप होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और कोशिकाएं रहेंगी, इन सब से मिलकर इसका निर्माण होगा। और जालवत है तो यह है जालिका नुमा संरचना बनाती है, जालिका नुमा संरचना बनाती है, बिल्कुल जैसे हमारे जालियां होती है ना, सेम टू सेम। अगर आप इसका गूगल करके डाउनलोड, गूगल पे इसका डायग्राम देखें तो आपको इसका इजीली मिल जाएगा। सच में ये कैसी होती है, जाली नुमा संरचना बनाती है। और इसको इंग्लिश में आप लोग देखें तो इसको इंग्लिश में हम लोग रेटिकुलेटेड भी कहते हैं, रेटिकुलेटेड टिश्यू, रेटिकुलेटेड टिश्यू, ठीक है। कहाँ कहाँ मौजूद होती है, तो यह प्लीहा और आपका यकृत में मौजूद होता है, यकृत में उपस्थित रहता है। ठीक है, इसी का दूसरा प्रकार भी लिख लेते हैं हम लोग यहीं पर, रंजकीय उत्तक, या जिसे पिगमेंटेड उत्तक भी कहेंगे, पिगमेंटेड टिश्यू। पिगमेंट का मतलब कलर, रंजक मतलब है रंग। तो ये क्या करता है, शरीर में रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। अब आप देखिए हमारे शरीर में ऐसी कौन कौन सी जगह होती है जहां पर रंगों की आवश्यकता होती है। रंग कहाँ चाहिए हमारे शरीर में, एक तो हमें जरूरत होती है आंखों में, तो आंखों की पुतलियों का रंग वे कैसे होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की ग्रीन होती है, किसी की ब्राउन और येलो कलर की भी आईज, मतलब येलो मतलब एकदम येलो नहीं होती, मस्टर्ड येलो कलर, जिससे फिर वो मांझरिया नजर आता है ना, पुतलियों का रंग इसी वजह से होता है, और त्वचा का रंग भी इसी की वजह से होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इसका, एक सेकेंड, जो नेक्स्ट इसका पार्ट था थर्ड नंबर पे, वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं, सघन उत्तक, सघन संयोजी उत्तक, या इंग्लिश में हम इसे कहेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, सघन में क्या होगा आप देखना, इसकी जो कोशिकाएं रहेंगी ना वो बहुत पास पास में, इतनी पास पास रहेगी ऐसे लंबी लंबी और बिल्कुल चिपकी हुई, बीच में बिल्कुल स्थान नहीं रहेगा। तो लिख सकते हैं कोशिकाएं बहुत पास पास व्यवस्थित होती है, कैसी होती है, बहुत ही
पास पास व्यवस्थित, इतने ज़्यादा पास में होते कि इनके बीच में कुछ भी नहीं आता है, वो जो होती है वो आपकी सघन वाली होती है। और ये पास पास इतनी ज़्यादा क्यों होती है, देखो हम क्या देख रहे थे कि मैट्रिक्स जो रहेगा आपका उसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर आपके तंतु मौजूद हैं, तो लिख सकते हैं मैट्रिक्स में तंतु व रेशों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण कैसे होगा ये समझिएगा आप। जैसे ये कोशिकाएं, अब बीच में क्या क्या है, तंतु है, तो ऐसे ऐसे इतने पास पास इसमें तंतु मौजूद रहेंगे ऐसा, तो ये क्या बना लेगी, सघन जैसा बना लेगी। इसमें हम लोग एक डायग्राम बताते हैं, इसमें दो प्रकार की चीजें आती है आपकी, यहां मैं लिख देती हूँ जिसकी बात कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे वो दिक्कत हो जाएगी आपको। सघन, सघन की बात करें, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लिया है, इसमें दो तरह के उत्तक बता रखे हैं हम लोगों ने, एक तो बता रखा है यहाँ पर लिगामेंट, ये सघन वाले जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, लिगामेंट, और दूसरा दे रखा है टेंडोन, टेंडोन को इंग्लिश में कडरा, और लिगामेंट को स्नायु कहते हैं। दोनों के ही नाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुन रखे होंगे, क्योंकि जब भी खिलाड़ियों को चोट लगती तो हम कहते हैं लिगामेंट में चोट आ गई है, विराट कोहली खेल रहा था और खेलते खेलते उनके लिगामेंट के अंदर चोट आ गई, इस वजह से वो अब आगे नहीं खेल पाएंगे। तो लिगामेंट क्या करता है और कडरा जो होता है वो क्या करता है, तो यहाँ पर आपको उस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो मांसपेशी है, यहाँ पर जो मांसपेशी है उसको हड्डियों से जोड़ने का काम, तो जो टेंडोन जो रहेंगे आपके वो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करेंगे, तो यहां लिखते हैं मांस पेशियों को हड्डी से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और लिगामेंट दो अस्थियों को, अस्थि मतलब हड्डी है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, ठीक है। दो हड्डियां जब आपस में जॉइंट हुई, ये लिगामेंट है जो ऊपर वाला टखना है, और ये जो टखना है, देखो हमारी जो अपर वाली हड्डी है तो ये एक हड्डी आ रही है आपकी, ठीक है, फिर ये नीचे वाली हड्डी जो जा रही है, ये एक लिगामेंट है और ये एक लिगामेंट है। इसको मैं एक बार दूसरे कलर से समझाती हूँ, तो क्या है ना कि हमें याद रहेगा, देखो ये पिंक कलर से मैं लिगामेंट, यहाँ पर लिगामेंट है और एक लिगामेंट यहाँ है, क्या दिख रहा है आपको, ये एक हड्डी है ये एक हड्डी, दोनों हड्डियों को जोड़ता है वो लिगामेंट होता है। और लिगामेंट कैसे होते हैं, ये थोड़े लचीले होते हैं, तभी तो हमारा पेड़ मुड़ सकता है इजीली, ठीक है। लेकिन टेंडोन जो होते हैं ये मजबूत होते हैं और कठोर होते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं टेंडोन। टेंडोन क्या करते हैं, हड्डी के ऊपर मांस को चिपकाने का काम करते हैं, हमारी जो हड्डियां हैं उसके ऊपर मांस चिपका, किसकी वजह से, टेंडोन्स की वजह से। दो हड्डियां आपस में कैसे चिपकी हुई है, लिगामेंट की वजह से। और जब लिगामेंट में चोट आ जाती है तो हमारी हड्डियां मूव नहीं कर सकती, बिना फ्रैक्चर भी आपको नुकसान होता है। एक शब्द समझते हो कि मांस फट गया, दैट इज लिगामेंट में चोट लगना ही होता है, ठीक है आपको। तो इन दो का आपको वर्क उत्तकों के अंदर ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज हम चलते हैं, अगला जो उत्तक है आपका फोर्थ नंबर, जिसे हम कहेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग सरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं, ठीक है। अभी कैसे होते हैं सरल संयोजी उत्तक, कैसे होते हैं आपके लूजली पैक्ड, यानी कि यह दूर दूर इसकी जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं ढीली या दूर दूर व्यवस्थित रहती है। अगर इसको भी हम विभाजित करें तो दो प्रकार की हो गई आपकी, एक तो हो गई एरियोलर और दूसरा प्रकार जो आता है वो आता है एडिपोज। एडिपोज को हम वसीय उत्तक भी कहते हैं,
आई थिंक ये वैसे ही सही नहीं है, मेरे हिंदी में थोड़ी सी मात्राओं की मिस्टेक होती है क्योंकि मैं थोड़ी सी क्या इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। वसीय उत्तक और एरियोलर टिश्यू, ठीक है, दो प्रकार में हम इसको बांट सकते हैं। अब समझना वसीय ये कैसा है, लूज है, ढीला है, तो कैसा होगा आपका, ये दूर दूर मौजूद होगा, एक दूसरे से कैसा रहेगा आपका, थोड़ा सा लचीलापन, इलास्टिक प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो यहाँ लिख सकते हैं इसकी कैसी होती है, इलास्टिक प्रवृत्ति होती है। इलास्टिक मतलब फूल जाते हैं और वापस सिकुड़ जाते हैं। अब एरियोलर टिश्यूज कहाँ कहाँ होंगे, त्वचा या अन्य अंगों के स्थानों में जहाँ वायवीय आवश्यकता, ठीक है, बीच बीच में जहाँ पे गेसेस रहती है ना, गेस वाला स्पेस जो होता है, जैसे कि त्वचा के और नीचे मांसपेशियों के बीच में स्थान रिक्त है, वहाँ पर गेस भरी होनी चाहिए, तो जहाँ पे एयर भरी होती है इसीलिए हम इसको एरियोलर टिश्यू कहते हैं। वायवीय जहाँ पर होगा वहाँ वहाँ पर एरियोलर टिश्यू होगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं एडिपोज टिश्यू, तो इसके बारे में सीधा यहाँ याद रखना, त्वचा के नीचे वसा की परत पाई जाती है, त्वचा के नीचे वसा की परत पाई जाती है। अब इस वसा की परत का कार्य क्या है, तो यह ऊष्मारोधी बनाती है, यह ऊष्मारोधी बनाती है। कैसे बनाएगी ऊष्मारोधी समझ लेना आप लोग, मेरी जो स्किन है इस स्किन के जस्ट नीचे वसा की परत है, वसा मतलब फेट की परत है, तो बाहर जैसे ठंडा माहौल होगा तो ठंडा माहौल मेरे अंदर वाली स्किन को ठंडा नहीं कर सकता है, मुझे गर्मी प्रदान करता है, तो ये क्या करता है आपको गर्म रखता है, शरीर को गर्म रखता है। तो आप समझना इस चीज़ को, हम लोगों को सर्दियों में घी के लड्डू क्यों खिलाए जाते हैं, मोगर क्यों खिलाया, ताकि ये जो वसा है इसकी परत मोटी हो जाए और मोटी चमड़ी हो जाएगी। जैसे नहीं बोलते कि गेंडे हाथी की चमड़ी बहुत मोटी होती है, वसा की बहुत मोटी परत है, तभी तो वो ऊष्मारोधी है, या फिर जो भी ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं जानवर उन सब में इसकी परत बहुत मोटी पाई जाती है। तो हमेशा इसके ऊपर 2-3 बार पहले भी प्रश्न पूछा हुआ है कि एडिपोज टिश्यू कहाँ पाया जाता है, त्वचा के बिल्कुल नीचे वाली परत पाई जाती है। क्या होता है, वसा की एक परत होती है, क्या करती है, शरीर में हीट प्रोवाइड करती है, इंसुलेटर की तरह काम करती है, बाहर ठंडा है तो अंदर ठंडा नहीं होने देगी। समझ गए आप लोग अच्छे से, तो यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा संयोजी उत्तक वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। मतलब कंप्लीट क्या, इसमें सॉरी एक कंकाली उत्तक छोटा सा पोर्शन बच गया है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर अप करवा लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही लेंथ वाइज भी बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी इसको यहाँ पर हमको एंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इसके आगे वाला पोर्शन मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।